हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक हमारे चैनल मूवी कास्ट में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड अपकमिंग सुपर नेचुरल हॉरर मूवी दी नन 2 के बारे में। जी हां गाइस, जिसमें मैं आप सभी को दी नन 2 मूवी की फुल अपडेट के साथ बताने वाला हूं। रिलीज डेट, फोरकास्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर के अलावा बहुत कुछ इन्फो भी। तो गाइस, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये पार्ट 2019 में रिलीज किए जाने वाला सेम ही टाइटल दी नन का सीक्वल भी है, और जिसे दुनिया भर के सिनेमा में 8 सितंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। तो अगर गाइस साथ में बात की जाए दी नन 2 मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर के बारे में भी, तो इसे सबसे पहले ऑफिशियली टैग किया है अमेरिकन फेमस डायरेक्टर माइकल चैप्स ने, और जबकि नन 2 मूवी के सभी डायलॉग और स्टोरी लाइन को ऑफिशियली राइट किया है एन गोल्ड की तरफ से, और प्रोड्यूस किया है ब्रिटिश अमेरिकन फेमस प्रोड्यूसर पीटर सैफ्रन ने। और एंड में गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब बात की जाती है दी नन 2 मूवी की फुल स्टार कास्ट के बारे में। और स्टार कास्ट में सबसे पहले आती है मूवी की मेन हीरोइन तैसा फार्मिगा, जो कि ये हमें सिस्टर आइरीन के रोल में नजर आने वाली है। गाइस, तैसा फार्मिगा एक अमेरिकन फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है, और जबकि इस वक्त इनकी एज 29 बताई जाती है। जोनस ब्लोकेट, जो कि ये हमें फ्रेंची के रोल में नजर आएंगे। गाइस, जोनस बेल्जियन फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, और जबकि ये भी इस वक्त एक फेमस एक्टर और मॉडल है। स्ट्रॉम रीड, जो कि ये भी हमें आज इस मूवी में मेन लीड रोल के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। गाइस, स्ट्रॉम रीड एक अमेरिकन यंगस्ट एक्ट्रेस है, और जबकि इस वक्त इनकी एज 20 बताई जाती है। एना पोपीवेल, इंग्लिश फेमस एक्ट्रेस और मॉडल एना पोपीवेल भी हमें आज इस मूवी में मेन लीड रोल केट के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। बोनी एरन्स, जो कि ये हमें एज ए विलन वेलक, मतलब के दी नन के रोल में नजर आने वाली है। केटलिन रोजडेनी, जो कि ये हमें सोफिया के रोल में नजर आने वाली है। मैक्सी एलाइस मैनेट, और एंड में स्टार कास्ट में आती है अनुक डार्विन। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये दी नन 2 मूवी कैसी लगी।